नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। यूपी के गोरखपुर जिले में उफानती राप्ती नदी में नाव खेकर स्कूल जा रही बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। 15 वर्षीय संध्या गोरखपुर के बहरापुर दक्षिणी की रहने वाली है। संध्या ने बाढ़ग्रस्त होने और कोरोना के डर से पढ़ाई से समझौता नहीं किया, वो पढ़ लिख कर रेलवे में नौकरी करना चाहती है। नेपाल में हुई भारी बारिश के दो दिनों बाद बिहार में बागमती और बूढ़ी गंडक में एक बार फिर से उफान आ गया है। हालांकि जहां डिस्चार्ज बढ़ने की आशंका थी, उस नदी में यानी कि गंडक का न सिर्फ डिस्चार्ज घटा है बल्कि जलस्तर भी नीचे आया है। इसके अलावा कमला नदी का जलस्तर भी रविवार को तेजी से बढ़ा है। गंगा भी अभी सभी जगह उतरी है लेकिन कहलगांव में जलस्तर थोड़ा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की 100% पात्र आबादी को कोरोना रोधी टीकों की पहली खुराक लगाए जाने को सोमवार को राज्य सरकार की कुशलता और जन जन की जागरूकता का परिणाम बताया और कहा कि इसकी बदौलत ही यह पहाड़ी राज्य 100 साल की सबसे बड़ी कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में चैंपियन बनकर उभरा है। बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है, जिसके बाद अब मंगलवार यानी 7 सितंबर से पर्चा दाखिल की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण में कुल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होगा। पर्चा दाखिला 13 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों को भारत छोड़ने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। यह कदम अफगान संसद की 20 वर्षीय महिला सदस्य रंगीना कारगर को वैध कागजात के बावजूद IGI हवाई अड्डे से इस्तांबुल भेजे जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। बनियान में घूमते मिले जदयू के नेता गोपाल मंडल के खिलाफ तेजस राजधानी एक्सप्रेस के बाद विधायक के खिलाफ दर्ज हुए FIR की जांच GRP ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि GRP ने रेलवे पुलिस से घटना के दिन का CCTV फुटेज हासिल कर लिया है। नीट परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग कर रहे छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि नीट परीक्षा अब 12 सितंबर को ही होगी। नीतीश कुमार ने जनता दरबार का आयोजन आज करवाया था। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्या सुनी, साथ ही समय पर समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन भी दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। केरल के कोझिकोड में एक 12 वर्षीय बच्चे की निपा वायरस संक्रमण के चलते रविवार को मौत होने के बाद 8 लोगों और राम बूटन फल का सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद अब इस फल में वायरस है या नहीं इस बात का खुलासा किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करने के लिए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में जावेद अख्तर पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना ने संघ VHP की तुलना तालिबान से करने के साथ ही और हिंदू संस्कृति का अपमान बताया है। इसके साथ ही सामना में कहा गया है कि आजकल कुछ लोग तालिबान की किसी से भी तुलना करने लगे हैं। आपको बता दें, जावेद अख्तर ने हाल ही में तालिबान की तुलना RSS से की थी। भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। वो पिछले 10 पारियों में 20 के औसत से 200 रन ही बना पाए हैं। हालांकि टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने अजिंक्य रहाणे का बचाव किया है। उनका कहना है कि अभी वो समय नहीं आया है कि उनके फॉर्म को लेकर चिंता करनी पड़े। पिछले कुछ दिनों में रोजाना 44,000 से ज्यादा कोविड-19 मामले दर्ज किए जा रहे थे, जिसके बाद भारत में पिछले 24 घंटे में 38,948 नए मामले के साथ मामूली गिरावट देखी गई है, जिससे कुल मामलों की संख्या 3,30,27,621 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के कारण 219 लोगों की जान गई है, जिससे कुल जान गंवाने वालों की संख्या 4,44,752 पर पहुंच गई है। केरल में लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुमनन राजशेखरन ने सोमवार को राज्य में कोविड-19 मामलों में स्पाइक के लिए केरल सरकार की आलोचना की और पिनराई विजयन सरकार पर लोगों के हितों की रक्षा नहीं करने का आरोप लगाया है। राजशेखरन ने कहा, कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना को ऐसा पहला नेशनल हाईवे मिलने जा रहा है जहां पर युद्ध के दौरान वायुसेना फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करवा सकेगी। न्यूज एजेंसी PTI के सूत्रों के माने तो भारतीय वायुसेना राजस्थान के बाड़मेर में बन रहे नेशनल हाईवे पर रक्षा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ इस सप्ताह मॉक ड्रिल कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर उनके खिलाफ दर्ज कथित 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में जारी किया गया है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद देशमुख देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।
IRCTC 7 नवंबर से रामायण सर्किट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेन के जरिए भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। यह ट्रेन 17 दिन में 7500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। IRCTC के मुताबिक रामायण सर्किट ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। भारतीय वायुसेना का एक विमान इस सप्ताह राजस्थान के बाड़मेर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपात लैंडिंग का अभ्यास करेगा। इस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत रोजाना 1.25 करोड़ कोविड टीके लगा रहा है, जो कई देशों की आबादी से अधिक है। पीएम मोदी बोले, भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जाने माने लेखक सलमान रुश्दी ने अपना बयान जारी करते हुए हाल ही में कहा है कि उनका अगला उपन्यासकार भारतीय कहानी पर आधारित होगा। देश में कई साल दूर रहने के बाद ब्रिटिश अमेरिकी लेखक रुश्दी ने अगले साल नोवेल के लिए भारत लौटने की योजना बनाई है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित रुश्दी ने टाइम्स लिटफेस्ट के एक सत्र में यह बातें कही है। उन्होंने बताया कि उनका अगला उपन्यास भारत आधारित होने की उम्मीद है। एयरलाइन इंडिगो गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर रही है। इंडिगो ने कोयम्बटूर से लोकप्रिय पर्यटन स्थल गोवा के लिए सीधी उड़ान के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है। यह खबर यात्रियों और ट्रैवल एजेंट के लिए खुशी की बात है। ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट के अनुसार नई नॉनस्टॉप सेवा 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। पाकिस्तान कश्मीर में गिलानी के बाद POK से अपने प्यादे के सहारे कश्मीर की हुर्रियत को चलाने की योजना बना रहा है। रक्षा मंत्रालय के जानकारों का कहना है कि यह सबसे मुफीद वक्त है, जब घाटी में अमन चैन कायम रखने के लिए सुलझे नेताओं को आगे लाया जा रहा है और कट्टरपंथी अलगाववादियों को पूरी तरीके से किनारे लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरपुर नगर में किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भीड़ को लेकर कहा कि कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और आम जनता की अभूतपूर्व एकजुटता ने दिखा दिया है कि भाजपा की दमनकारी विभाजनकारी दंभी सत्ता अब कभी वापस नहीं आएगी। बॉलीवुड के फेमस एक्टर मिलिंद सोमन 55 साल की उम्र में भी काफी फिट है। हाल ही में जब वो हॉस्पिटल में सिटी स्कैन करवाने पहुंचे तो उनके फैंस काफी परेशान दिखे। मिलिंद ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर कर बताया कि वो हॉस्पिटल में सिटी स्कैन कराने गए थे, हालांकि उन्होंने इसे एक रेगुलर चेकअप का नाम दिया है। एप्पल इंक भारत के बाजार में जितनी कीमत के मोबाइल फोन बेचती है उसमें से 70% कीमत के फोन यही बन रहे हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि मेक इन इंडिया के लिए यह तगड़ा प्रोत्साहन है। 2 साल पहले भारत में बन रहे फोन की हिस्सेदारी केवल 30% थी, मगर इसमें अब तेज से बढ़ोतरी हो रही है। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी के ट्वीट पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है। राहुल ने दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की है। राहुल ने अब तक वैक्सीनेशन पर ट्वीट नहीं किया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की दुनिया सराहना कर रही है। 68.75 करोड़ जनता को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। मुकेश अंबानी की संपत्ति में इजाफा देखने को मिला है। मार्केट कैपिटल के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर अक्टूबर 2020 के बाद उच्चतम स्तर पर ट्रेंड कर रहे हैं। NSI के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी का शेयर दोपहर 12:21 पर 2% की तेजी के साथ 2436.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज दोपहर तक के कारोबार में RIL के शेयर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 2480 रुपये तक पहुँच गए हैं। पीएम मोदी इसी महीने अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। जानकार की माने तो उनकी यात्रा 3 दिवसीय होने वाली है। हालांकि यह पहला मौका होगा जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद मोदी जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि इस दौरान कई एजेंडों पर बातचीत हो सकती है। हाल ही में पीएम मोदी को तेजस्वी ने जातिगत जनगणना मुद्दे पर रिमाइंडर भेजने की बात कही थी, जिस पर अब जदयू की तरफ से रिएक्ट किया गया है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव के जातिगत जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी को रिमाइंडर भेजने का बयान उनकी पार्टी का मामला है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश के कई राज्यों में आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश के आसार है, जिसके तहत दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कमल किशोर रॉय, रचना राज, राजेश सोंथियाल, MK यादव, महेश उस्ताद, मोहम्मद नूर हसन, राजेश्वर रॉय, राजू कुमार, रोशन राज, राजेश कुमार, प्रीति कुमारी, स्नेहा कुमारी, खान सर UPSC, नंद कुमार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल
सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड 19 के रोकथाम में केंद्र सरकार ने सराहनीय काम किया है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।